मैं पवन आनंद आपके सामने पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। इसमें हम बात करेंगे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के संबंध में, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के संबंध में। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि आप सबसे पहले भरपूर नींद लें, भरपूर आराम करें, जो कि व्यक्ति और आयु के हिसाब से 5 से 8 घंटे का लगभग नियम है। वो आप अपने शरीर के हिसाब से देख लें कि सवेरे जब आप उठें तो आपको किसी किस्म का कोई आलस ना हो, ना आँखों में ना शरीर में। दूसरी चीज़, आप पानी बिल्कुल कायदे का पिए, ना कम या ना ज़्यादा। वो आप स्वयं देखें कि आपका काम कितने पानी में चल सकता है, उसमें कोई आलस ना करें। भरपूर शरीर को पानी मिले, ना कम ना ज़्यादा, दोनों नियम ध्यान रखें। खाने के लिए आप एक नियम हमेशा ध्यान रखें, नो सिंगल फूड इज सुपर फूड, यानी कि किसी भी एक खाने से आपके शरीर को भरपूर पोषण नहीं मिलेगा। आपका शरीर एक विशाल कारखाना है और उसको बहुत सारी चीज़ें बनाना पड़ती हैं, वो बहुत सारे केमिकल्स बनाता है आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और वो सारी चीज़ें उसको कच्चे माल के रूप में आपके खाने से और पानी से मिलती हैं जो आप पियेंगे या खाएंगे। तो आप इसके लिए एक बहुत साधारण सा नियम याद कर लें कि आप लगभग हर रंग की चीज़ खाएं। लगभग हर रंग की चीज़ जब आप खाएंगे तो आपको ज़रूरी सारे पोषक तत्व उससे मिल जाएंगे और आपका शरीर बहुत सुचारू रूप से चलेगा। बाकी आप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए हल्दी, तुलसी, नीम और जीरा, अजवाइन, इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को काफ़ी बढ़ा देंगी। अदरक, लहसुन, ये चीज़ें भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। जो लहसुन खा सकते हैं वो लहसुन भी खाइए। इन चीज़ों का जब आप सेवन करेंगे तो आप काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आज पहले हमारे सामने छोटे छोटे रूप में विषाणु आए, आज ये कोरोना वायरस ने तो पूरी दुनिया ही को हिला दिया है। तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि आगे हो सकता और कोई बड़े रूप में आ जाए, या ईश्वर करे ये ख़त्म ही हो जाए तो सबसे अच्छा है। मनुष्य जैसा चल रहा था वैसा चलता रहे, मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है। लेकिन अगर हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा लेंगे तो उससे हमको कोई नुकसान तो है ही नहीं, हम बाकी बीमारियों का भी बहुत अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि मान लीजिए मलेरिया फैलता है तो अभी घर में सबको नहीं होता, घर में अगर 6 जने हैं तो 4 को भी हो जाएगा, 5 को भी हो जाएगा, तब भी 1 को नहीं होगा। उसका कारण यही होता है कि उसकी मलेरिया के प्रति रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अच्छी है। इसी तरह हर बीमारी का यही नियम है, जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी उसको वो बीमारी पकड़ ही नहीं सकती। तो आप भी मित्रों अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। इसकी औषधियाँ भी आती हैं, आयुर्वेद में भी हैं, होम्योपैथी में भी हैं, एलोपैथी में। इसका वैक्सीन बनने में भी टाइम है कोरोना का, बाकियों का तो बहुत का वैक्सीन है जो समय समय पर लेते भी हैं, माँ बाप बच्चों को लगवाते भी हैं। तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइए। योग में भी बहुत आसन है, आजकल तो टीवी वगैरह पे भी बहुत आ रहे हैं, योग में भी बहुत आसन है, बहुत उपाय है, वो भी मैं समय समय पे बताऊंगा आपको। अब मित्रों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मैं आपको आगे भविष्य में अच्छे अच्छे वीडियो से अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।